अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई अपनी चाय लेकर के। शाम का समय है, सर मरी पर टाइम होने वाला है, अचान हो गया थोड़ी देर बाद। तो बस मैं सोची क्यों ना मैं चाय पी लेती हूँ। चाय ना पीऊँ तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं खाना खाने के बाद ही चाय, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि चाय मैं पीऊँ, और दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और चाय पीने का जो मज़ा है ना वो एक तरफ है। इसकी खुशी एक अलग ही है। चाय लवर वालों के लिए है ये, जो पीते हैं वही जानते हैं चाय की मोहब्बत, और जो नहीं पीते हैं उसकी तो बातें छोड़ दो। खैर मैं ऐसे लोग से बात भी नहीं करना चाहती जो चाय नहीं पीते हैं। तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं जाऊँगी ना टेलर के पास, मुझे जाना है। एक्चुअली मैं ना जोया के लिए मैं सोच रही थी, बकीत के लिए ये ना कपड़ा एक रखा हुआ था, उसका बन जाएगा 3 मीटर है, तो ये मैं उसके लिए लेस ला के रखी थी। तो लेस लाया, कुछ डिज़ाइन करके ना मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ ड्रेस बना दूँ, अपने से डिज़ाइन करके दे देती हूँ, तो भैया बना देंगे। और ये एक मेरा ड्रेस जो मैं उस दिन पहन के पार्टी में गई थी ना, इसका लेंथ बहुत लंबा है। मैं बहुत मुश्किल से फर्स्ट टाइम पहनी थी और मैं संभाल ही नहीं पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी, इतना फंस रहा था। तो एक बार ही पहनी तो मैं नहीं, इसको कटवा के ना नीचे से मोड़ देती हूँ, तो ये फिर कंफर्टेबल रहेगा। कभी पहनूंगी तो फिर पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा। एक बार पहन लिया, अब हो गया फुर्सत, पता नहीं। एक तो ऐसे बहुत कम होता है, फिर जल्दी साल 2 साल में ही आता है फिर नंबर। तो बस एक दो काम है मुझे टेलर के पास जा करके करवाना है। तो मैं सोची पहले चाय पीती हूँ आराम से, उसके बाद मरी प्रेम आ जाएगी ना, उसके बाद फिर जाऊँगी जोया को लेकर, उसका नाप भी दिलाना है और उसके लिए ड्रेस बना लेती हूँ। रेडीमेड लेने जाऊँगी तो बहुत, फिर अभी ईद में इतने सारे खर्चे हुए हैं और फिर अभी बकीद में सबके लिए ड्रेस नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सोची जो है तो उसका ही सिलवा देती हूँ। बच्चे हैं, थोड़ा सा बच्चों को लगता है नया पहने तो रेडीमेड बहुत महंगा भी पड़ता है। छोटे बच्चों लोग का भी ना जितना में हमारा आ जाता है ना उतना में उतना उन लोग का लग जाता है। इतना महंगा तो मैं अपना ही लेती हूँ ड्रेस, कभी भी ज़्यादा महंगा नहीं लेती। बच्चों का लेने जाओ ड्रेस तो 1800-2000 से नीचे मिलता ही नहीं है। तो मैं सोची हूँ कि इसका सिला देती हूँ, तो बस सिलाई लगेगा। कपड़ा तो है घर पे तो ना ज़्यादा नहीं लगेगा, और बच्चे हैं, बच्चों को लगता है खुशी रहती है पहनने की, तो ऐसे रहता तो मैं दिलाती हूँ उसको अच्छा। बट मैं सोची बना देती हूँ, बनाने से भी ठीक रहेगा सूट। आजकल उसको थोड़ा सा सोची पाकिस्तानी पैटर्न जैसा ना, उसको पैंट कुर्ती फर्स्ट टाइम नहीं पहनी है वो, तो उसको उसी टाइप का सोची हूँ मैं। फ्रॉक फ्रॉक टाइप का तो मैं सिलाई थी ईद के समय, तो बस जाऊँगी उसको लेकर। इधर उधर घूम रही है, उसको खोजूंगी कहाँ है। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, फ़ैन ऑफ करके मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा और फेस पे पसीना पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले, दुनिया जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना बिंदास ब्लॉगिंग करो, बिंदास रहो, अपना काम को एंजॉय करके करो, खुश रह के करो। इसको जो सोचना है, बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, मैं सुनती भी हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, वक्त पे छोड़ दी, वक्त देगा सबको जवाब। खैर अपना नियत साफ़ रखो तो अल्लाह आपके साथ है, बस बात ख़त्म। मैं तो यही जानती हूँ, अपना अगर नियत साफ़ है ना तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ भी। बोलते ना इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो बस इस बात पे यकीन है। कोई कुछ भी सोचिए, कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा चलेंगे, अमन बाहर है, अभी चलते, बस चाय पी लेते हैं फिर चलते। पसीना बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, फ़ैन ऑन करूँगी तो कोई यकीन नहीं करता मुझे, पसीना बहुत निकलता है, निकलना भी चाहिए, पसीना आना भी चाहिए, अच्छा होता है। हाँ तो बस तुम तो एकदम नाच कर कूद करके आओ ना बाहर से, घूम करके साइकिल चला के। दिल से चाहती हूँ आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। जो मेरा दिली ख्वाहिश है, जो पहली बार ये ऐसा है ना कि मैं चाहती हूँ, मेरी ऐसे बहुत कम ही ख्वाहिश है, लेकिन कुछ इसमें है जो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, कुछ लोगों को दिखाना चाहती हूँ मैं। अल्लाह मुझे कामयाब करे, जिसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आज भी मैं मतलब उनके दिए हुए टुकड़ों पे मैं पल रही हूँ अलग होने के बाद भी। लोग ऐसा मेरे बारे में बोलते हैं, सोचते हैं और ऐसा बात कर रहे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ सही बात है कि मैं उनके दिए टुकड़े पल रही हूँ, तो ये मेरा हक है और उनका फ़र्ज़ है देना। 4 बच्चे हैं उनके, हैं उनका फ़र्ज़ है देना, तो वो देंगे ही मुझे, और कोई और नहीं देगा, बाहर वाला नहीं देगा, वही देंगे। उनके 4 बच्चे हैं और ये मेरा हक है, और मैं आज भी हक से हूँ। ये हक मुझे अल्लाह ने दिया है कि मैं हक से उसी घर में अपने बच्चों के साथ हूँ, खर्चा लेकर के चल रही हूँ। इस बात की लोगों को तकलीफ़ भी है कि खर्चा लेकर के अभी भी शान से है। जो लोग चाहते थे आना वो आ नहीं पाए, इतनी कोशिशों के बाद भी नाकामयाब हो गए, अभी तक वो वही हैं और मैं जिस जगह पर हूँ उसी जगह पर अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दिया कि मैं इसी जगह पर हूँ, तो ये अल्लाह का काम है।
इज्जत और जिल्लत देना किसी, कोई कितना भी बुरा चाहे, लोग ने मुझ मेरे लिए बहुत कुछ बुरा सोचा कि इसको निकाल दे घर से, इसको घसीट के निकाल देंगे, अब ये ऐसा वैसा, बहुत कोशिश की मुझे मतलब ये करने की, हटाने की रास्ते से, लेकिन हटा नहीं पाए। तो ये अल्लाह का एहसान है, करम है, मैं तो उनका शुक्रिया अदा कर दूँ। लोगों के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह आपके साथ है, तो बस अल्लाह मेरे साथ रहे, बस इस पर मुझे यकीन है, और बस इसी पे यकीन है कि मैं आज खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ अल्लाह पे यकीन करके कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा करेगा, कितना ही बुरा होता लेकिन मुझे पता नहीं। तो मैं बहुत अल्लाह का एहसान और दिल से मानती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इतना मतलब इज्जत दिया है कि अभी भी मैं हूँ, और सिर्फ़ एक ही रिश्ते से अलग होने के बाद भी मैं अच्छे से रह रही हूँ बच्चों के साथ, और हर रिश्ता निभा रही हूँ, हर फर्ज अपना जितना बन रहा अपना 100% दे रही हूँ। उसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मुझसे चीर हो रही है जो ऐसी बातें करते हैं लोगों के सामने, कि आज भी उसके टुकड़ों पर पल रही है, तो भाई उसके टुकड़ों पर पल रही हूँ तो ये दिखा रही कि इसकी कोई औकात नहीं है, ये कुछ करती नहीं है, बस बच्चा संभाल रही है और उसी का पैसा से खा रही पी रही रह रही है। तो भाई ये मेरा फ़र्ज है अपने बच्चों के साथ, मैं इज्जत से हूँ और मेरे बच्चों के साथ मैं ही रहूँगी, कोई और आके नहीं रहेगा। जब तक मेरी ज़िंदगी, अल्लाह ने मुझे जब तक ज़िंदगी दी अपने बच्चों के साथ रहने की, तो मैं ही रहूँगी, कोई और आके नहीं रहेगी। और जो माँ होती है ना, वो माँ ही होती है, कोई और कितना भी हमदर्दी दिखा ले आकर के मेरे बच्चों के सामने, झूठी हमदर्दी वो नहीं, बात नहीं होगी जो माँ कर सकती ना, वो कोई और नहीं कर सकती। पता ही लोग कैसे यकीन कर लेते बाहर वालों पर कि ये मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा सोचती है, ये ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कैसे सोच सकते एक माँ से बढ़कर मेरे मुकाबले में किसी और को खड़ा कर देंगे कि मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा सोच सकती, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन लोग ऐसे सोचते, खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आज भी लोगों को जो मेरे साथ अच्छा किया, जो मेरे साथ बुरा भी किया, मैं उससे भी दुआ ही देती हूँ अल्लाह, मैं बददुआ कभी नहीं करती किसी के लिए, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। लेकिन मैं दिल से किसी को बददुआ नहीं देती, आज भी दुआ देती, जाओ तुम लोग आबाद रह लो, कर लो ज़िंदगी में अपना हक, अगर मेरा हक नहीं है तो तुम्हारा हक है, तुम ही आ जाओ अपना हक जताओ और दिखाओ करके, इतना दम है तो कर लो। मेरे पापा थे ससुर जी, वो हक मुझे दे के दुनिया से गए हैं, तो इस हक को कोई नहीं छीन सकता कि मैं इसी घर में अपने बच्चों के साथ जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं रहूँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ, ये तो मेरा हक है, और कैसे कोई बोल सकता है। हाँ ये है कि उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी को इतना नहीं गिराना चाहिए, सबका दिन पलटता है। आज मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं कमा नहीं रही हूँ, तो लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, बोलते हैं कि मैं उसके टुकड़ों पर पल रही हूँ, सबका दिन आता है, और मुझे यकीन है मेरे रब पे कि मेरा दिन भी आएगा। बात सिर्फ पैसे की है, रहा बात पैसे की, तो इंशाल्लाह पैसा मैं भी कमाऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह कुछ वक्त किसी का भी कभी भी आ सकता है, इतनी मेहनत कर रही हूँ और यकीन है मुझे अल्लाह पे, तो अल्लाह मुझे देगा, क्योंकि मेरा नियत और मेरा दिल अल्लाह जानता है कि मेरा कैसा है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, तो मैं किसी का गलत नहीं कर रही हूँ, किसी का घर नहीं तोड़ी हूँ। लोग तो चार बच्चे के बाप को फंसा करके और अपने तरफ कर करके वो हक की बात मुझसे कर रही हैं कि हक नहीं है, तुम्हारा हक है, तुम बहुत सही करे कि एक शादीशुदा फैमिली बच्चा परिवार वाला को ऐसा मतलब कर दिए कि उसको, जो ये बोलते हैं कि मेरा हक नहीं है, तो उसका ही कोई हक नहीं है, और हक नहीं है, और कोशिश तो बहुत की है, शायद इसलिए भरास निकल रही होगी कि तो ठीक है जाओ, मैं तो सब कुछ अल्लाह के हाथ पर छोड़ती हूँ, और मैं जो दुआ मैं दूसरों को दूंगी ना वो मेरे साथ है। मैं आज लोगों को इतना अच्छा दुआ देती हूँ, सोचती हूँ, दिल साफ़ है, शायद इसीलिए मैं सुकून में हूँ, अब मुझे अच्छा फील होता है, मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा गुमान रखती हूँ अल्लाह से, इसलिए मैं खुश हूँ आज इतना टेंशन में भी। नहीं तो लोग नहीं पड़ता, बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहेंगे, चाल करने वाले चाल करके कर दिए, जो करना था, जिसको ख़त्म करना था, तोड़ना था, अलग करवाना था करवा दिए, जो करना था कर दिए, और मैं जिस जगह पर हूँ उसी जगह पर हूँ, इंशाल्लाह हमेशा यहीं रहूँगी इसी जगह पे, जब तक मेरी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अल्लाह है मेरे साथ, बाकी कुछ नहीं होता है, और आप सब भी हो मेरे साथ, छोटी छोटी तो फैमिली हो गई है मेरी, जो मुझे इतना अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके, अपने दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई, आप सबसे बातें करते करते बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दे अच्छे से प्यारे से, तो और मुझे जितने भी लोग अब तक सपोर्ट करे हैं, जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता, बहुत हिम्मत आती है आप सबके, हाँ पी लो, बहुत हिम्मत आती है, तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहें और मेरे लिए अच्छे अच्छे मतलब कमेंट्स करें, और मुझे दुआ करें, दुआ में हमेशा याद रखें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह इन लोगों को नसीब अच्छा करे। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।